हेलो गाइस, आज हम लोग जो है हाइमन हाइमन के विषय में समझेंगे। इसलिए कि पिछले वीडियो में आप लोग जो है ये स्त्री के विषय में ही कुछ मैंने आप लोग को जो है एक प्रसंग उठाया था, जिसमें आप लोग को जो है ये आज हम लोग जो है उस हाइमन स्त्रियों में जो है एक गर्भ होता ही है। अब गर्भ जो होता है होते हैं ओवरी होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। चलिए हाइमन के विषय में समझते हैं। हाइमन होता क्या है? हाइमन जिसको YHYMEN हाइमन होता है, ये इसमें स्त्री वर्गों में देखा गया है कि ये स्त्री वर्गों में जो है ये फिगर है, जिसमें ये हमारा जो है ओवरी दोनों साइड में होता है। ये ओवरी होता है, ये वाला पोर्शन ओवरी है, यहाँ का भी ये ओवरी है, ये ओवरी होता है। ये ओवरी जो है स्त्रियों में दोनों साइड में होता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दोनों ओवरी वर्क एक साथ करते हैं? तो नहीं, ये दोनों ओवरी जो है एक साथ वर्क नहीं करते हैं। एक ओवरी वर्क करेगा तो दूसरा ओवरी जो है बंद रहता है। इस तरह इसमें वर्क है, जबकि दूसरे वर्ग को प्राणियों में जो है ओवरी केवल सिंगल ही वर्क करता है, जबकि इसमें दोनों एक के बाद एक ओवरी वर्क करता रहता है, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी होता है। और इसमें जो है ये यहाँ से जो फिगर मैं बनाया हूँ, ये आपका यहाँ पर यूट्रस होता है, यू ट्रस, और ये आपका ये वजाइना होता है, वजाइना, और ये आपका जो है यहीं पर हाइमन होता है, हाइमन। तो ये हाइमन होता क्या है? यो स्त्रियों की योनि मार्ग में जो है एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग हाइमन कहते हैं। तो पहले हम लोग के भारत देश में बहुत पहले से ही माना जाता है, परंपरा बनी हुई थी कि 13 से लेकर 14 वर्ष की जब अवस्था जब आती है स्त्रियों में, लड़कियों में, तो ये जो है अवस्था में माना जाता है कि ये ओवरी जो है स्खलित होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। जिसमें अब क्यों बनता है, अब हम जानते हैं कि साइंस जो है एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है, और इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही स्त्रियों में जो है ये अंडाशय जो है बनना शुरू हो जाता है, और जिसको MC मासिक साइकिल भी जो है मंथली साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। ये 13 से 14 वर्ष की जब अवस्था आती है, तब ये पहले से ही जो है 13 वर्ष और 14 वर्ष की अवस्था जब हुआ करती थी, तो उस समय से ही ये स्टार्टिंग में जो है लड़कियों जो है शादी कर दिया जाता था, और उस समय हाइमन जो है मौजूद हुआ करता था। ये जी जो झिल्ली होती है ये हाइमन यहाँ पर मौजूद हुआ करता था, जिसको ये मौजूद की उस स्त्री को जो है पवित्र होने की जो है ये प्रमाणित करता था। जबकि आज के डेटों में ये मिथ्या गलत भ्रम ये जो है दिमाग में आप लोग पाले रहते हैं, ये आप दिमाग से हटा दीजिए। इसलिए कि ये हाइमन जो है स्त्रियों में 20 या 22 वर्ष की जब उम्र आती है, तो ये हाइमन जो है ये ऑटोमेटिक है, ये बहुत पतली झिल्ली होती है, जिसके वजह से ये ऑटोमेटिक भी टूट जाते हैं। जो 20 या 22 वर्ष की अवस्था होती है तब ये टूट जाती है हाइमन। जो मिथ्या लोग अपने दिमाग में भ्रम पाल लेते हैं कि ये हाइमन न होने के कारण कि जो है स्त्री जो है स्त्री में हाइमन जब नहीं है, झिल्ली नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे वर्गों से या दूसरे पुरुष वर्गों से ये संभव करा चुकी होगी, जबकि ये मिथ्या ये गलत है, एकदम सत्य गलत है। इसलिए कि साइंस हम लोग कहता है कि 20 या 22 वर्ष की जब अवस्था आती है तो लड़कियां वर्क करती हैं। वर्क करते समय भी होता क्या है कि ये हाइमन ये झिल्ली जो है फट जाती है, और फट के खत्म हो जाती है, जो ये हाइमन टूट जाता है। तो जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना है, मान लीजिए साइकिल चला कहीं दूसरा एक जगह से मतलब 2 किलोमीटर पर जो है साइकिल चला कर स्कूल जाना है, तो स्त्रियों को जो है लड़कियों को जो है हाइमन ये फट जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए अपने दिमाग से इसको हटा दीजिए कि जो है ये हाइमन ही स्त्रियों को पवित्रता का जो है ये पवित्र पवित्र जो है उसको बनाए रहती है। नहीं, ये मिथ्या गलत है। इसलिए कि हाइमन जो है 22 20 अवस्था जब आती है, तो इस अवस्था में यह हाइमन टूट जाता है, खेल कूद के द्वारा भी टूट जाता है, या सीढ़ी पर बार बार थोड़ा चढ़ा जाए तब भी टूट जाते हैं, या साइकिल जो है रन किया जाए तब भी टूट जाते हैं। इस तरह ये हाइमन इस बॉडी से टूट जाते हैं। ठीक है, उससे मतलब हाइमन ये जो है इस वजाइना से टूट जाते हैं।
अब होता है इसमें क्या है कि स्त्रियों में जो जब ओवरी जब बनना शुरू होता है तो माना जाता है कि एक से लेकर 7 डेज, 7वां दिन जब आता है तो माना जाता है कि स्त्रियों में जो है 4 या 5 दिन तक जो है ओवरी जो है एमसी जो है जिसको हम कहते हैं एमसी जो है चालू रहता है। उस दौरान उसमें ओवरी भी स्खलित होता रहता है। फिर 7 से लेकर 14वां दिन जो होता है इसमें निषेचन किया जाए, इस निषेचन के दौरान इसमें जो है शिशु का निर्माण हो सकता है। फिर 14 से लेकर 21वां दिन तक इसमें भी शिशु का निर्माण हो सकता है। लेकिन जब 21 से 28वां दिन जब आता है तो अब ये जो है ये बेकार हो जाता है। अब बेकार होने के कारण फिर यहाँ से ये बेकार हो जाता है, उसी एमसी स्टार्ट होता है और ये यहाँ से अस्खलित वजाइना के द्वारा जो है अस्खलित होने लगते हैं और दूसरा जो है अंडा ओवरी ये यहाँ पर चक्र स्टार्ट हो जाता है और इसके द्वारा जो है चक्र स्टार्ट होता है और वहाँ पर ये रेडी होना शुरू हो जाता है और ये जो है अगले और उस सेम यही चक्र जब अगले मंथ में जब स्टार्ट होता है तो उस अगले मंथ में फिर इसी के द्वारा जब निषेचन क्रिया किया जाए ये अवधि में तो जब जो महिला जो गर्भोधारण कर लेती है। कुछ और आप लोग को बातें बताते हैं जो हाइमन तो टूट ही है, अब टूटने के बाद कुछ और आप लोग बताते हैं कि इस स्त्रियों में और कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। चलिए हार्मोन के बारे में कुछ बताते हैं, हार्मोन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये पहला आप लोग बताए थे कि एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में होने के कारण इसमें स्त्रियों को पूरा जो है लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें एमसी आना, स्तन का विकास होना ये फिर जो है बैक पूरा पोर्शन को चौड़ा हो जाना ये एस्ट्रोजन हार्मोन के आने के बाद ये सब स्टार्ट होते हैं। फिर दूसरा आता है कि ये एस्ट्रोजन हो गए, अब दूसरा आता है एक हार्मोन आते हैं, पहला हार्मोन है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है स्त्रियों का लक्षण हो जाते हैं। फिर दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मतलब ही समझ में यही आ रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में होता क्या है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में ये भ्रूण को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो सुरक्षा प्रदान करता है। अब भ्रूण कब बनता है, जैसे ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस, इस यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन जब हार्मोन करता है क्या कि जब भ्रूण बनना शुरू होता है, यहाँ भ्रूण बनना शुरू होता है भ्रूण, जैसे भ्रूण जब मेल और फीमेल कांडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो ये भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण का जब निर्माण होने लगता है तो भ्रूण की सुरक्षा इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही मिलता है। इसमें इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में होता क्या है, जब यूट्रस में जब शिशु का निर्माण जब होता है यूट्रस में तो ये इस शिशु का भ्रूणीय अवस्था में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी आप हम लोग सुनते हैं करे 1 महीना 2 महीना हुआ और ये स्त्री का जो है गर्भ गिर गया या बच्चे जो है गिर गया या बच्चे का जो है प्रसव हो गया, ये कारण क्यों है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के न बनने के कारण होता है। तो उस भ्रूण की सुरक्षा कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसमें नहीं बनेगा उसमें क्या होगा कि जो उसके बच्चे को जो दिक्कतें आएंगी वो बच्चे गिर भी सकते हैं। अब ये गिरे न, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से बनता है, एक महिलाओं को जो है हमारे आंगनबाड़ी की बहने या आशा बहू की बहने जो है ये महिलाओं को एक जो है इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो है बनता रहे बनती रहे उसमें आयरन की गोली और जिंक की गोलियां दी जाती है जिसमें जिंक को जो है इंजेक्शन के माध्यम से दिया जा सकता है और आयरन को भी गोली दिया करती है। ये जिंक और आयरन की गोली के द्वारा भी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो उत्पत्ति होती रहती है और इस ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही इस गर्भ की जो सुरक्षा करता रहता है। कुछ और आप लोग हम लोग जो है अभी आप लोग बताए थे कि भ्रूण की सुरक्षा कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब एक और
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से एक और बातें आती है कि भ्रूण की जो जब निर्माण जब होने लगता है, भ्रूण का निर्माण जब यहाँ पर वो यूट्रस में भ्रूण का जब निर्माण होने लगता है, तो इसमें आप देखा गया है कि लड़कियाँ या लड़के की दोनों का जो भ्रूण का निर्माण जब होता है, तो लड़कियों को देखा गया है कि लड़कियाँ जो है 9 माह, केवल 9 माह में ही 9 माह और 10 दिन जो है टाइमिंग लेती है जन्म लेने में, ये लड़कियों का होता है टाइमिंग। और जो है लड़के जो है इसमें 9 माह में ही ये जो है गर्भ से बाहर प्रसव इनका हो जाता है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसके वजह से बनता है, ये आयरन और जिंक का सेवन करने के कारण ही फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो है बनता रहता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसका सुरक्षा करता है, इस भ्रूण का जो है सुरक्षा करता रहता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिस महिलाओं में कमी होता है उसके जो है ये भ्रूण का जो सुरक्षा जो कवच होता है टूट जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला रिलैक्सिन हार्मोन, ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या होते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन, ये रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन से ही आप लोग समझ में आ रहा है कि ये आराम प्रदान करता होगा। ये रिलैक्सिन हार्मोन होता क्या करता क्या है कि जैसे जब इस यूट्रस में जब एक शिशु का जब निर्माण होता है, ये जो शिशु है शिशु का जब निर्माण होता है तो ये शिशु ये एक झिल्ली में पैक होता है, ये झिल्ली में एक पैक होता है जिसको इस झिल्ली को इमियोटिक झिल्ली कहा जाता है, इमियोटिक सैफ झिल्ली कहा जाता है, इमियोटिक सैफ झिल्ली कहा जाता है, जिसमें बच्चे सेफ सुरक्षित होता है, उस झिल्ली क्या कहते हैं, इमियोटिक झिल्ली कहते हैं, जिसमें ये सुरक्षित होता है। अब ये इमियोटिक झिल्ली में जब सुरक्षित जब रहता है तो लड़का उस समय उल्टा ही होता है, अब मतलब सर ऊपर आता है पैर नीचे होता है। तो ये देखा गया है कि इसमें जो है जब रिलैक्सिन हार्मोन का वर्क ही होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन इसको करता क्या है, इस बच्चे का इस भ्रूण को जो है ये रिलैक्स अवस्था में करके इसको सीधा करता है, और सीधा करके फिर जो है इस प्रसव में इसको जो है प्रसव के उपरांत इसको सीधे के द्वारा जो है सर के बल पे जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग जो है आप लोग जो है देखे होंगे एक दो फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है, जिसमें ये फिल्मों में दिखाया जाता है सर के बल पे ही, जो रोबोट में भी दिखाया गया है कि रजनीकांत जो है एक बच्चे को जो जन्म रोबोट कराया है, जिसमें आपका इसका सर जो है उल्टा है तो उसको सीधा कर किया है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन ही उसको सीधा करने में भूमिका निभाता है, और सीधा करके फिर बच्चे को जन्म दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि ये रिलैक्सिन हार्मोन कभी कभी ये भी होता है रिलैक्सिन हार्मोन जो है वर्क नहीं करता है और उसको पैर के बल से ही बच्चे को प्रसव कराना पड़ता है। ये होता क्यों है, कुछ महिलाएं करती हैं कि अपने नैहर में खूब झाड़ू पोछा करेंगे गिरी करेंगी, हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या करेंगी, अरे बच्चे कुछ काम करती है तो कहेंगे ना केवल हम ब्यूटिशियन जानते हैं। तो ये आप लोग जो है वर्क न करने के बहाना न ढूंढें, वर्क करते रहे जिसमें आपका रिलैक्सिन हार्मोन आपका वर्क करता रहे और इस बचावा का जो है ढंग से उत्पत्ति होता रहे, नहीं तो ज़्यादा रिलैक्स करेंगे तो ये रिलैक्स मुद्रा में हो जाएगा तो फिर हम आप जो है दिक्कतें में पड़ सकते हैं। इसलिए ये दिक्कत में ना पड़े, रिलैक्स ना हो, ये इसका जो है रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता रहे, इसलिए आप घर पे महिलाओं जो है आप लोग जो है वर्क करते रहिए, वर्क करने से कतराइए ना, बहानेबाजी ना करें। ये रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं जिसके वजह से बच्चे जो है ये रिलैक्स मतलब सीधे अवस्था में होता है और प्रसव जो है अच्छे से हो जाते हैं। इस झिल्ली को क्या करते हैं जिसमें बच्चा कैद होता है, इमियोटिक सैफ। ये आप लोग कुछ सामने कुछ ये वीडियो था लाइक अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर ही बनता है।